सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं G20 समिट से। अब दूसरा सेशन जो है वो शुरू होने वाला है अब से कुछ देर में, और पीएम मोदी की मुलाकात भी यहां पर हो रही है। आप देखें जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके साथ पीएम यहां पर खड़े हैं, जो बाइडेन यहां पर नजर आ रहे हैं, और बाकी देशों के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो भी इनके साथ हैं। तो अब दूसरा सेशन जो है वन फैमिली, उसकी शुरुआत अब यहां पर होगी। इससे पहले वन अर्थ सेशन जो है वो किया गया, और इसके बाद जो तीसरा सेशन है वो कल होगा। तो कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिस पर इस बार G20 में जो है वो चर्चा हो रही है। भारत इस दिशा में जो है वो वन फैमिली वसुधैव कुटुंबकम के आदर्शों पर जो है वो अपनी बातों को आगे रख रहा है। वन फैमिली की तरह जो है वो दुनिया के जो मुद्दे हैं उनको सामने लाने की कोशिश जो है वो है, जिस पर सभी जो मुल्क हैं उनका ध्यान आना जो है बहुत जरूरी है। और इस बार की G20 शिखर सम्मेलन में कई सारी चीजें हैं जिन पर चर्चा हो रही है। तीन सेशंस में इस बार G20 को जो है वो चर्चा के लिए रखा गया है, जिसमें से दो सेशन आज होने हैं, एक अभी हो चुका है और एक की शुरुआत अब से थोड़ी देर बाद होगी, और तीसरा सेशन जो है वो कल यहां पर होना है। इस बीच बायलेटरल मीटिंग्स भी हो रही हैं। अब से थोड़ी देर पहले ऋषि सुनक के साथ पीएम मोदी की बायलेटरल मीटिंग हुई, और यहां पर जो यूएस प्रेसिडेंट हैं उनसे कल उनकी मुलाकात हुई थी, और इस तरह इस G20 के दौरान 15 बायलेटरल मीटिंग्स जो है पीएम की होनी है, और साथ ही G20 के सेशन जो है वो भी चल रहे हैं। और एक बड़ा अपडेट आज G20 से सुबह ये आया कि अफ्रीकन यूनियन को जो है वो G20 में शामिल कर लिया गया, और इसके बाद से ये बताया जा रहा है कि जो G20 ग्रुप है, जो समूह है देशों का, इसमें इसका दायरा काफी जो है वो बढ़ जाता है इसके बाद से, अफ्रीकन यूनियन के आ जाने के बाद से, क्योंकि अफ्रीकन यूनियन में कई सारे देश हैं जिनकी समस्याओं को जो है वो एड्रेस करना भी यहां पर पूरी दुनिया के लिए काफी जरूरी है। और ग्लोबल साउथ पर भी खासकर भारत की नजर है। पीएम मोदी भी इसका जिक्र जो है वो कर चुके हैं कि ग्लोबल साउथ को जो है वो साथ लेकर चलने की जरूरत है, उनकी जो समस्याएं हैं वो भी यहां पर उस पर चर्चा होनी चाहिए। तो इस बार भी जो चीजें हैं जिन पर यहां पर चर्चा होनी है, उसमें जो बड़े मुद्दे आप देखिए, जलवायु परिवर्तन का मुद्दा, इसको लेकर हर बार चर्चा होती है, कैसे जो कार्बन इमिशन है उसको कम किया जाए, ग्लोबल वार्मिंग पर नजर रखी जाए, और जलवायु परिवर्तन से के असर को कम करने की दिशा में जो है वो काम किया जाए। इसके अलावा आर्थिक विकास एक बड़ी समस्या है, जिस तरह से पूरी दुनिया में अलग अलग तरह से आप कह लीजिए जो देश हैं उनके सामने आर्थिक समस्याएं जो है वो खड़ी हैं, उससे निपटने की दिशा में यहां पर जो है चर्चा हो सकती है। डिजिटल अर्थव्यवस्था, क्योंकि डिजिटल क्षेत्र में भारत अब काफी आगे है, जिस तरह से डिजिटल क्रांति भारत में देखने को मिली है, UPI का इस्तेमाल आप कहिए या डिजिटल ट्रांजेक्शन जो है वो बढ़े हैं, उस दिशा में पूरी दुनिया की नजर भारत की तरफ है कि किस तरह से ये जो तकनीक है इसका विस्तार जो है हो, इसका फायदा सबको मिले, और किस तरह से भारत ने इस क्षेत्र में काफी अच्छा काम जो है वो पिछले कुछ वक्त में किया है। भारत डिजिटल अर्थव्यवस्था और तकनीक के क्षेत्र में अधिक सहयोग पर भी इस बार जोर दे रहा है। तो डिजिटल अर्थव्यवस्था एक बड़ी चीज है जिस पर चर्चा यहां पर हो सकती है। विकासशील देशों को आसान कर्ज, क्योंकि अब जो दिक्कतें हैं, जैसे कि आप ग्लोबल वार्मिंग ही कह लीजिए या फिर वैकल्पिक ईंधन की चर्चा काफी है, कि अगर ग्लोबल वार्मिंग के क्षेत्र में ही आगे आप बढ़ें तो किस तरह से जो बाकी चीजें हैं उन पर ध्यान दिया जाए, और इसमें जो विकसित देश हैं वो कैसे ग्लोबल साउथ के जो मुल्क हैं उनकी मदद यहां पर करें, ताकि इस दिशा में जो पूरी दुनिया है वो एक परिवार की तरह आगे बढ़ सके।